शेख, अगर किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो और उसको ये लग रहा हो कि उसके वो गुनाह की वजह से है, तो क्या वो, क्योंकि और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई हो, तो क्या वो ये दुआ मांग सकता है अल्लाह से कि ये प्रॉब्लम मेरी दूर हो जाए, इसके जाए मुझे कोई बीमारी ही हो जाए, लेकिन बस ये तकलीफ दूर हो जाए, जो उसके साथ मेरी प्रॉब्लम कोई भी चल रही हो, मतलब तकलीफ, क्या ये दुआ कर सकते हैं? और गुना भी, ये भी वो गुना भी माफ हो जाए और उसके बदले जाए कोई अल्लाह ताला बीमारी दे दे। दुआ और कर ये सकते मतलब ऐसे खुद ही लग रहा हो कि शायद ये जो मेरे गुनाह है इस वजह से अल्लाह मुझे इतना आजमा रहा है, तो ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये खुद ही लग रहा है इंसान को अगर। हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मान लेना कि ये परेशानी, फला परेशानी जो मुझे है, फला वाले गुनाह की वजह से ही है, ये मान लेना ये सही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अल्लाह आलम, हमें इल्म नहीं है इसका, ये गैब की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बेहतर जानता है। अलबत्ता कोई अगर गुनाह इंसान से हुआ है तो उसे नादिम होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, उस पर अल्लाह ताला से माफी मांगनी मांगनी चाहिए, तौबा करना चाहिए। जी और उसके साथ साथ जो परेशानी उसे लगी हुई है, उस परेशानी के इजाले के लिए भी दुआ करना चाहिए। उसके ये जान लेने से कि मेरी ये परेशानी फला गुनाह की वजह से है, ये जान लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी जो गुनाह आपने किया है उस पर आपको तौबा करना है, जो परेशानी आप है आपके ऊपर है, आप उसका इजाला चाहते हैं, उसके लिए दुआ कीजिए। और ये कहना, ये दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी ये वाली परेशानी दूर करके मुझे दूसरी परेशानी दे दे, भाई जी आप किससे दुआ कर रही हैं? आप रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही हैं, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, दुनिया जमीनों आसमान के खजाने उसके पास हैं, आप उससे जी मांग रही हैं, आप किसी इंसान से नहीं मांग रही हैं कि भाई ये वाला ले लो दूसरा वाला दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब आप मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मकाम और मर्तबा, उसकी जो मंजिलत है, उसका ख्याल करके मांगे। आप अल्लाह से मांग रहे हैं, आप मांगिए कि अल्लाह ताला मेरी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, आप उसके बदले में दूसरी परेशानी क्यों मांग रही हैं? क्या आपको लगता जी है कि अल्लाह ताला वो सौदा करेगा आपसे? तो जी सौदा मत जी कीजिए, आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट। और देखिए, ये असल में हमारे तवक्कुल की कमी की वजह से ये चीज होती है, हमको शक है, हम अल्लाह ताला के बारे में सुए जन के शिकार हैं कि ये जो हमारी परेशानी है, अगर मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला इसे दूर कर दे तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला दूर ना करे। भाई आप यकीन रखिए, अल्लाह ताला तो हर वक्त कहता है कि मुझे, मुझसे जी मांगो, मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा, मैं दूंगा। फिर उसमें बखीली किस बात की कि अल्लाह ताला ये परेशानी टाल दे, दूसरी वाली दे दे। डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला मेरी परेशानियां दूर फरमा। ये दरअसल जी हाँ जी ये सर एतेदा फिर दुआ कहा जाता है। एतेदा यानी दुआ की मकबूलियत के लिए जो शर्तें हैं, उसमें एक शर्त है कि उसमें एतेदा नहीं होनी चाहिए। तो हद से ये तजावुज़ एतेजा एते, हाँ, हद से तजावुज, ये तजावुज है, अल्लाह ताला के साथ सुए जन है ये, कि अल्लाह जी ताला अगर इसको मैं नहीं कहूंगा तो अल्लाह ताला जो है मुझे वो चीज नहीं देगा। अल्लाह जी ताला इतना नवाजने वाला है कि उसके बारे में हुस्ने जन होना चाहिए, और दुआ करते वक्त ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला मुझे देगा इंशाल्लाह। तो जी ये जी एतेदा फिर दुआ है जो कि दुरुस्त नहीं है।